हमारे देश की महिलाएं आज तरक्की कर रहे हैं। जो महिलाएं एक समय में दर बदर भटक कर लोगों से मदद मांगती थी, आज वे महिलाएं खुद लोगों को मदद दे रहे हैं। जिस महिलाओं ने हजार हजार रुपए के लिए कभी दिन रोया था, आज उन्होंने करोड़ लाखों रुपए अपने मेहनत से जमा करने के बाद आज लोगों को मदद कर रहे हैं। महिलाएं तरक्की कर रही है, महिलाएं आज समाज में महिलाओं का दर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और ये कैसा हुआ अभी हम आपको बताएंगे। इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे जब भी मैं बात करता हूँ फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की तरफ से, लोग ज्यादा देखते नहीं क्योंकि लोगों को ये टॉपिक बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। आज महिलाएं किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, गाँव की महिलाएं इसे जानना चाहिए। सरकारी योजना है एक जिनका नाम है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे उस समय लॉन्च किया गया था साल 2011 को पूरे भारतवर्ष में। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तरफ से एक देश से गरीबी हटाने के लिए एक योजना बनाया गया था जिसे NRLM कहा जाता है। और NRLM जब स्टेट में आ जाता है तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन कहा जाता है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन कहा जाता है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज अरुणाचल, आप सभी के साथ मैं हूं किरण। इस वक्त फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की टीम मौजूद है लपारादा जिले के बासर हेडक्वार्टर में। और आप सभी को बता दूं कि आज बासर में दो दिनों के लिए, आज 13 सितंबर का दिन है, 13 सितंबर 2023 और 14 सितंबर 2023 यानी कि दो दिनों के लिए रगो बांगो अन क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तरफ से यहां पे एक फर्स्ट टाइम अपना जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। अभी मेरे साथ मौजूद है रगो बांगो अन क्लस्टर लेवल फेडरेशन के प्रेसिडेंट गुरबम काम्बुजी, साथ ही जनरल सेक्रेटरी श्रीमती सोनी बाम जी। आप सभी को यकीन नहीं होगा किस तरह से महिलाओं की जिंदगी को बदल कर रख देता है। मैडम अलरू दोनों ने साथ लो जुरी नाम है। मैडम सबसे पहले ये जानना चाहेगा कि यहाँ में लपारादा में अभी आप लोग, आप CLF का प्रेसिडेंट है, आप जनरल सेक्रेटरी है, कभी आप लोग भी शायद फर्स्ट टाइम इसमें जुड़ते समय SHG मेंबर ही था होगा, कब जुड़ा था और जुड़ने से पहले किस तरह का जिंदगी आप लोग जी रहे थे यहाँ पे जुड़ने से पहले? ये थैंक यू, ये मीडिया पर्सन आपको बहुत शुक्रिया ये सबको जानने के लिए और हम बताने के लिए तरस रहे हैं मेरा जिंदगी में कैसे था और मेरे SHG में जुड़ने से पहले मेरे लाइफ थे कि हम इतने एक हाउस वाइफ था तो हाउस वाइफ बनते बनते मैंने बहुत तकलीफ है हम ये सहने लगा था, मतलब रो रो के हम मेरा लाइफ गुजर रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए सिर्फ मेरा लाइफ जी रहे थे। तो हम आज़ाद की ज़िंदगी और खुशी की ज़िंदगी हमको बहुत चाहिए थे, मगर हमको कुछ चारा नहीं दिखाई पाया। मगर जब से ये ARSRLM ने हम लोग का ब्लॉग में 2016 को आया था तो हमको बहुत खुशी हुआ कि हमको भी 2018 का फेब्रुआरी में हमको भी जुड़ने का मौका मिला था। तो मैं तब जब से मैं 2018 का फेब्रुआरी से मैं SHG मेंबर के तरफ से हम मतलब तौर पे हम जुड़ने लगा था तो इतना यहाँ में इतना काम करने के लिए और हम लोग का पैसा 10-20 रुपया का ऐसे ये कलेक्शन करके हम लोग जमा करके हम लोग को खुशी मिलता था। जब हम पैसा जरूरी होता था तो ये पैसा से हम लोग उधार करके कुछ काम करके और कुछ दिल को खुशी ये बिजनेस में या तो कुछ तकलीफ में कुछ काम में हम लोग यूज करता था तो इतना खुशी होते होते आज हमको ये मेरा SHG से हमको मेरा दोस्त लोग ने हमको PLF में इसी मेंबर के तौर पर हमको भेजा गया था तो फिर PLF से भर के फिर आज क्लस्टर लेवल फेडरेशन में हम लोग का CLF रेको बांगो अन CLF के यहाँ में हमको प्रेसिडेंट बना दिया। फिर से हमको यहाँ में बहुत खुशी है, यह इतना काम करने को मिलते हैं और इतना ARSRLM के तरफ से और हमारे गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को इतना पैसा हम लोग का बहुत मदद किए हैं, यहाँ में हम लोग इतना खुशी मिलते हैं। लाख करोड़ भी पैसा हम लोग का यहाँ में आ चुके हैं तो सारा अन SHG का तरफ से और हम लोग का ARSRLM ये स्टाफ का तरफ से हम लोग इतना खुशी मिल रहा है। हम लोग आज एनुअल मीटिंग भी हम लोग कंडक्ट करके ना इतना आज खुशी का मौका भी मिला है, इतना अपना जो पहले हम लोग क्या कैसे था और आज कैसा है ये सब कुछ आप लोग को ये मीडिया का तरफ से आप लोग देखने को मिलेगा और हम लोग ये जो जो किया है हम लोग पूरा रिपोर्ट दिखा चुका है। जी,
ये 2 दिवसीय मीटिंग यहाँ पे चल रहा है, एनुअल गैदरिंग चल रहा है। कल यहाँ पे स्थानीय विधायक गोकर बासर यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। जनरल सेक्रेटरी सोनी बाम मैडम से पूछते हैं, शायद आप लोग, आप दोनों का भर्ती का समय लगभग एक ही टाइम था होगा। मैडम, ये CLF दरअसल है क्या चीज, क्या कुछ करता है CLF, CLF के अंदर में क्या क्या कुछ आता है? मैडम, थैंक यू। सबसे पहले तो प्रीडम न्यूज ये को हम ये अपना ये व्यू को रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारा CLF का मतलब है क्लस्टर लेवल ऑफ फेडरेशन। ये हम लोग का SSG से बन के हम लोग का PLF होता है, तो PLF हमारे SSG से जुड़ते जुड़ते हम लोग का एक एक PLF बनता है। हमारे रेगो बांगो आने का CLF में 16 PLF है, तो ये सब का मिल्क मतलब एक PLF से दो इसी मेंबर चुन के तब जाके हम लोग का CLF बनता है, फिर क्लस्टर लेवल ऑफ फेडरेशन बनता है। और उसके बाद इसके हम लोग जितना भी SSG का प्रॉब्लम है हम लोग का ऊपर आते हैं, ऐसे PLF में जाता है, PLF से फिर CLF में जाता है, फिर हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन है कुछ करना होता है तो हम लोग का CLF का थ्रू से हम लोग करवा देता है। सरकारें योजनाएं बनाती है, उसके बाद बाकायदा सरकार अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाती है, बैंक लोन देने के लिए सदा तैयार रहती है। मैडम से जानते हैं कि बैंक किस तरह का लोन देता है, सरकार किस तरह का मदद करते हैं, और उन मदद को मिलने के बाद जो अन्न है, जो माताएं हैं, वो क्या कुछ करती है जिससे वो वापस लोन को चुका देती है और आज खुद एक बैंक की तरह लोगों को मदद करते हैं, अपने अंदर SSG मेंबर्स की मदद करते हैं, तकलीफों में आने वाले बाकी महिलाओं की मदद करते हैं। क्या कुछ अन्न पार्टी क्या काम करते हैं जिससे इतना कुछ सारा कुछ वो कर पाती है, इंडिपेंडेंट हो पाते हैं? मैडम, अन्न पार्टी लोग क्या क्या कुछ करता है, मतलब क्या क्या काम करता है जिससे इतना लोन खुद चुका के अभी आप लोग इतना कामयाब हो गया कि अभी आप लोग दूसरे को लोन दे सकते हैं, क्या क्या कुछ? अन्न लोग का काम है कि जो यहाँ में लाइवलीहुड पिगरी और यहाँ में एग्रीकल्चर दुकान सुकान बिजनेस के लिए सब कुछ ये अपना ये उसमें MCP में होना बनाना पड़ता है। जो अगर उसमें कुछ काम करेगा बल्कि उसमें पर्पोज होता है ना, उसको पर्पोज के द्वारा हम लोग ये लोन को देता है, तो वो लोग पर्पोज का तरफ से मतलब वो पर्पोज को लेके वो लोग अपना से काम करता है। जो दुकान करेगा बोल के लेता है तो दुकान में ही यूज करके वो दुकान का पैसा को जब दुकान में यूज करके उसका इंटरेस्ट को इसमें ये उसी से दुकान से ही लेता है। जो पिगरी करेगा सोचता है तो वो पिगरी करके ही उसका को इंटरेस्ट आने से उसको ही दे देता है। और जो भी एग्रीकल्चर करेगा बोलने से उसी को बागान सागान करके उसी से प्रॉफिट मिलने से उसी को वापस देता है। इसलिए ये जो भी चीज़ें हम लोग का पर्पोज होता है, ये पर्पोज के बिना हम लोग यहाँ ऐसे जूत मूत में पैसा नहीं देते हैं। ये पर्पोज का ऊपर में देख के हम लोग जो जितना चाहिए जो कितना चाहिए उसको हम इसको देख के देता है, तो उसी से काम करके उसी को वापस करना पड़ता है। सोनी मैडम, गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, और NRLM डिपार्टमेंट का जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसका जितने भी आप लोग का कोऑर्डिनेटर होते हैं और बाकी कई सारे अफसर आप लोग के अंदर आप लोग का भी देखरेख करने के लिए होते हैं डिपार्टमेंट का, उन लोगों का कितना थैंकफुल है आप लोग, बासार में कितना वे लोग मेहनत कर रहे हैं, बासार यूनिट की कितना मेहनत कर रहे हैं, और सरकार का इस योजना का आप लोग कितना थैंकफुल फील करते हैं गवर्नमेंट का? सबसे पहले तो हम सर आपका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए शुक्रिया। हम लोगों तो बासार में जितना भी HODs है, स्पेशली हम थैंकफुल कहना चाहते हैं हमारे आउट गोइंग DC मैम को, उनके थ्रू हम लोगों को बहुत सारे हेल्प मिला है। और सरकार के तरफ से हम लोग को BRF में आता है, जितना भी SSG फॉर्म करते हैं उसमें हम लोग को BRF का एक मतलब 15,000 से शुरू होता है। शुरू जब हम लोग ग्रुप फॉर्म होता है फिर उससे बढ़कर फिर PLF बनता है, फिर उसमें भी हम लोग को BRF का नाम से आके पैसा हमारा बढ़ते जाता है। सबसे पहले तो थैंकफुल इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग पहले बेरोजगार थे, बिल्कुल हम हाउस वाइफ में सिर्फ अपने पति बच्चों संभालने में हम लोग लगा हुआ था। तब से NRLM ने हम लोग को इस मौका दिया तो अभी हम लोग बासार में जितने भी आने हैं सब हम लोग मिल के छोटा छोटा अपना दुकान खोल रहा है, कोई अपना किचन गार्डन कर रहा है, जब अपना छोटा छोटा हम लोग टेलोरिंग का ये भी कर रहा है। तो अभी हम लोग तो हाल ही में हम लोग का BDBK का भी अभी हम लोग का BDBK का भी हम लोग मिल चुका है, उसमें हम लोग का जूसर होगा, ड्रायर है, तो इसमें हम लोग का सब कुछ सामान हम लोग को सरकार का तरफ से दिया है। अभी हम लोग कुछ कुछ अन्य यूज़ कर रहा है, पैकेज का मशीन आया है हम लोगों का। और एक तो हम लोग का CLF का ऑफिस का सामने में हम लोग
मीडिया के थ्रू आपको बताना चाहूँगे, क्योंकि हम लोगों ने उसमें एक छोटा सा मतलब लोकल जितना भी ट्रेडिशनल है टीम है वहाँ मिलेंगे आप लोग को, क्योंकि हम लोगों ने उसमें अलग से घर बना के रखा है। आप कहीं भी हो, हम लोग को मतलब कुछ सामान चाहिए होता है तो हम लोग का लोकल मेड होगा, आपको गाले होगा, हैंडक्राफ्ट होगा, जितना भी सामान है हम लोग को CLF का ये ऑफिस में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग में से कोई चाहिए तो हम लोग को सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या तो आके विजिट कर सकता है। सबसे पहले तो हम लोग का थैंकफुल ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग इतना आने को मदद मिला है, तो हम सरकार को शुक्रिया कह के भी हम अपना शब्द बयान नहीं कर सकते। थैंक यू सर। तो मैडम लास्ट में, ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, अभी और भी प्रोग्राम है आप लोगों का, मुझे भी कवर करना है। तो पहले जो आपने एक बजट का वहाँ पब्लिकली बता रहे थे, आखिर में कुछ करोड़ का शब्द सुनाई दिया था, लोग इंस्पायर हो ये सुन के, इसीलिए क्या आप इस बात को दोबारा बता पाएंगे कि क्या आप बता रहे थे वहाँ पे? जी ये तो खुशी से बता देंगे कि हम लोग का यहाँ में हर PLF का थ्रो से, मतलब PLF यहाँ में रेगोबंगवान डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का PLF 16 PLF हो गया, तो PLF में CIF का तौर पे हम लोग का एक एक PLF में 6 lakhs, 5 lakhs या तो कितना कितना मतलब 3 lakhs, 4 lakhs ऐसा करके आके हम लोग का CLF में अभी भर के हमने 1 crore से ज़्यादा, 1 crore 50 lakhs से 44,827 रुपीज तक हम लोग का यहाँ में पहुँच गया है। ये सब है कि गवर्नमेंट से आया हुआ है ना, तो इसको हम लोग PLF का तरफ से आता है ये पैसा, और इसको हम लोग CLF चला रहे हैं, ये अभी हम लोग का CLF में है ये पैसा, और इसको हम लोग जो अगर कुछ ये में पर्पस में कुछ अगर चाहिए तो हम लोग का यहाँ में फॉर्म भरा के, यहाँ में कुछ लोन लेने के लिए फॉर्म भरा के आने से हम लोग इसको जिसको जितना चाहिए उसको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू सो मच मैडम आप दोनों का मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे रेगो बांगो अनस क्लस्टर लेवल फेडरेशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। आप सभी को याद होगा कि फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में हाल ही में हमने आपको NRLM के तहत, जो अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और इस मुहिम में हम अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग सेप्पा में भी गए थे, और हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह से एक ज़माने में सेप्पा की औरतें किस तरह से तकलीफ़ में थी, किस तरह से वो समस्याओं से, घरेलू समस्याओं से, सामाजिक समस्याओं से जूझते थे, किस तरह से आर्थिक स्थिति में कमज़ोर रहते थे। लेकिन आज ईस्ट कामेंग के पूरे सेप्पा इलाके के जो महिलाएं, जो अन है, जो माता है, किस तरह से वे आगे बढ़ चुकी हैं, ये हमने दिखाया था। साथ ही आलो में भी जब भी इस तरह का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का जो भी एक्टिविटीज होता है, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, और हम कोशिश करते रहेंगे जैसा अभी हम बसार में आकर कर रहे हैं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है समाज को ये जानना कि आज के जो महिलाएं हैं, जो समाज की महिलाएं, ये वो महिलाएं नहीं है जो एक समय में हुआ करती थी। ये जितने सारे महिलाएं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी सारे महिला जितने भी लपारादा के देख रहे हैं, एक समय में ये सब बेसहारा थे, अपने आत्मसम्मान को खो चुकी थी, दिशाहीन हो चुकी थी, क्या करना है जिंदगी में कुछ नहीं पता था उन्हें, बस शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, अब खेत जाना है, खेत से शाम को घर आना है, पति की डांट सुननी है, पति की सेवा करनी है, बच्चों को पालना है, बस इसी में ही खेत से घर, घर से खेत, पति की सेवा, पति की डांट और बच्चों का पालन पोषण, बस यही तक सीमित हुआ करता था इनकी ज़िंदगी। लेकिन इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, पलट कर रख दिया है अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तरफ से, और आज ये महिलाएं आत्मविश्वास से भरपूर हो चुकी है, आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी है। आज ये महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, सिर्फ लपारादा बसार में नहीं, सिर्फ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सिर्फ ईस्ट कामेंग में नहीं, बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में, या यूं कहें कि पूरे भारत देश में आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने वाली महिलाएं समाज को मजबूती से बांधे रखने का काम कर रहे हैं। समाज को मजबूती से बांध कर रखने का एक खूबसूरत धागा बना हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं।